करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। भारत और नेपाल के लहराते झंडे, पारंपरिक नृत्य और गाजे बाजे की धूम। दरअसल भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प दहल प्रचंड के स्वागत का ये नजारा। नेपाली पीएम प्रचंड शुक्रवार को मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम शिवराज का अनोखा अंदाज देखने को मिला। मुख्यमंत्री नेपाली टोपी पहने नजर आए, प्रचंड का स्वागत किया। दोनों देशों के संबंधों के साथ ही पर्यटन से जुड़े विषयों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि इस दौरे से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। दिव्य, अद्भुत, अलौकिक महाकाल मंदिर का ये भव्य नजारा। गर्भगृह की खूबसूरती मन मोह लेगी। दीवारों पर फूलों की सजावट आपकी निगाहें हटने नहीं देगी। हरे कारपेट, सुंदर गलियारा और कैंपस में बनाई गई शानदार रंगोली, ये सजावट महाकाल दरबार की भव्यता में चार चांद लगा रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से श्री महाकालेश्वर मंदिर की ख्याति दुनिया भर में है। दुनिया भर से भक्त बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि आज तक इस दर से कोई खाली हाथ नहीं गया। भगवान राम को पूरी दुनिया मानती है। दुनिया भर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान के रूप में ही पूजे जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश ओरछा में श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। राम राजा सरकार, वैसे तो ओरछा की ख्याति देश में ही फैली है, लेकिन इसकी भव्यता में चार चांद लगाने के लिए महाकाल लोक और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर राम राजा लोक का निर्माण कराया जाएगा। अब ओरछा में बनने वाले राम राजा लोक का पहला लुक भी सामने आ गया है। तस्वीरों में देखिए कि अगले कुछ सालों में तैयार होने वाले राम राजा लोक की भव्यता। इसके बाद राम राजा लोक को लेकर कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने आर्किटेक्ट और समस्त अधिकारियों के साथ राम राजा मंदिर परिसर और आसपास लगे स्थानों पर निरीक्षण किया। कलेक्टर अरुण कुमार ने जिले के जनप्रतिनिधियों समेत प्रशासनिक अधिकारी और नगर के प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठकर चर्चा की। रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर तैयार होने का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। मंदिर निर्माण से लेकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ऐसे में अब खबर है कि भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पीएम नरेंद्र मोदी से करवाई जाएगी और देश भर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव 7 दिन तक मनाया जाएगा। इसका फैसला राम मंदिर ट्रस्ट बोर्ड की बैठक में लिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए शुभ तिथि तय करने के लिए ज्योतिषियों से परामर्श भी किया जा रहा है और जैसे ही शुभ तिथि तय हो जाएगी पीएम मोदी को आमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की माने तो समारोह मकर संक्रांति से या उसके एक दिन बाद शुरू हो सकता है और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक निवेदन पत्र भी भेजा जाएगा, जिसमें दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक के समय को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए आरक्षित किए जाने का निवेदन किया जाएगा और जैसे ही शुभ मुहूर्त की तिथि तय होगी तो पीएम मोदी को आमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। देश हित में विदेशी कनेक्शन को भूलना होगा। उन्हें ये महसूस करना होगा कि इस्लाम और उनकी आस्था भारत में सुरक्षित है। ये बयान है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का। नागपुर में वार्षिक प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने इस्लाम और मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया। भागवत ने कहा कि सीमाओं पर बुरी नजर दिखाने वाले दुश्मनों को ताकत दिखाने के बजाय हम आपस में ही लड़ रहे हैं। आज इस्लाम और इस्लाम की उपासना यानी पूजा भारत में ही सुरक्षित है।
भारत की एकता और अखंडता के लिए हर किसी को प्रयास करने चाहिए। आरएसएस प्रमुख ने आगे कहा कि पूरी दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया, धीरे धीरे वहाँ के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को हराया, अपने कार्य क्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ कर रह गया और अब विदेशी तो यहाँ से चले गए लेकिन इस्लाम की पूजा कहाँ सुरक्षित चलती है? यहीं सुरक्षित चलती है। लोगों को ये महसूस करने की जरूरत है कि उन्हें भारतीय संस्कृति के साथ मिलना होगा, देश के हित में विदेशी संबंधों को भूलना होगा। उन्होंने कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को प्रयास करना चाहिए। जहां से नीतियां तय होती हैं, जहां पुलिस आलाकमान बैठते हैं, जहां से प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की पॉलिसी बनती है, उस राजधानी में बदमाश बेखौफ दिख रहे हैं। तस्वीरें देखिए, आधी रात का वक्त है और सड़क पर कहर बरपाते गुंडे, उनके हाथ में बेल्ट और जिससे वे वार कर रहे हैं। सड़क के दूसरी तरफ से गुजर रहे वाहन पर सवार लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। बताया जा रहा है कि एमपी नगर में जोन 2 में लड़कों के दो गुटों में विवाद हुआ था। सड़क पर शराब पीने से मना करने पर विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। दरअसल इलाके में रात 1 बजे तक चाय और सिगरेट की दुकानें खुली रहती हैं, जिसके चलते यहां असामाजिक तत्वों का डेरा जमा रहता है। एक महिला जिसके हाथ में बेल्ट है, चेहरे पर नाराजगी और जहन में आक्रोश, आक्रोश इतना कि बीच सड़क पर शख्स पर बेल्ट की बौछार कर दी। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की हैं। आमतौर पर छेड़खानी के बाद आरोपी को इस तरह पीटे जाने के मामले तो आपने देखे होंगे, लेकिन इस महिला के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई और न ही पीट रहा शख्स कोई आरोपी है। दरअसल पीट रहा शख्स महिला का पति है, जिसके सरेआम महिला पिटाई कर रही है, वो चीख रही है। मिली जानकारी के मुताबिक महिला ने पति को दूसरी लड़की के साथ देखा था, जिसके बाद उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अब पति की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि मौके पर एक पुलिसकर्मी भी खड़ा है, लेकिन उसने इस मामले को शांत कराने की जहमत नहीं उठाई और आम लोगों की तरह पूरी घटना को देखता रहा। ढाबे में लगी टेबल कुर्सी जिस पर बैठकर खाना खाते लोग, खाने के साथ उनके टेबल पर छलकते जाम। ढाबे के अंदर का चोरी छिपे कैद किया गया ये नजारा भोपाल के अमोलिया ढाबे का है। बिना लाइसेंस धड़ल्ले से जाम पर उसे जा रहे थे। इसकी सूचना मिलने के बाद आबकारी विभाग हरकत में आया। ढाबे में मदरा पान करते हुए 42 लोगों पर केस दर्ज किया गया। छापेमारी के दौरान महंगी शराब और बियर की करीब 24 बोतलें जब्त की गयी। दरअसल पिछले कई दिनों से ढाबे में शराब बिक्री और जाम परोसने की शिकायतें मिल रही थी। अब आरोपी मालिक विजय कुमार मिश्रा और गार्डन संचालक अमित दयाल पर आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। एक शातिर चोर की कहानी, जिसने शादी और बच्चों के लिए बाल नहीं कटवाने की मन्नत रखी थी, जो कहता था कि जहां तक मेरी आवाज जाएगी वहां तक की जमीन उसकी ही है, जिसने चोरी के पैसे से मकान बनाया, कार खरीदी, अलग अलग वारदातों में लूटे गए जेवरात की निगरानी के लिए घर में सीसीटीवी तक लगवा डाला। ये पूरी घटना रायपुर के खमारडीह थाना क्षेत्र की है। दरअसल बीते 13 अप्रैल को रायपुर के खमारडीह थाना क्षेत्र में एक व्यापारी अब्दुल गनी के घर से लगभग 50 तोला सोना और लाखों रुपए की चोरी हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की, चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वारदात को अंजाम देने वाला ओडिशा निवासी आरोपी डी रवि राव को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से 24 तोला सोना, 80,000 नकद और 16 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए गए। बताया जाता है कि आरोपी अलग अलग इलाकों में वारदात को अंजाम देता था, फिर ओडिशा भाग जाता था। जब चोर को उसकी संपत्ति भी चोरी होने का डर सताने लगा तो उसने सब तामझाम किया। बार के अंदर का सीन, लोग थिरक रहे थे, तभी एक तरफ से खास गाना बजाने की फरमाइश आई। वजह जो भी हो, गाने की फरमाइश पूरी नहीं हुई तो बदमाश भड़क गए, जिसके बाद पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पूरा मामला मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का है, जहां बार में अचानक बवाल हो गया। बवाल की नौबत चाकूबाजी तक पहुंच गई। तस्वीर में देखिए, बार के रिसेप्शन के कुछ लोग आते हैं, तभी अचानक एक शख्स चाकू निकालता है और पास खड़े व्यक्ति पर ताबड़तोड़ हमले करने लगता है। बदमाश ने जिन पर हमला किया वो बार का कर्मचारी बताया जा रहा है।
जान लेने पर आमद बदमाश को किसी तरह से लोगों ने छुड़ाया, बाहर किया। इसके बाद बदमाशों ने बाहर से बार के शीशे के गेट पर पत्थर बरसाए जिससे कांच टूट गए। चाकू के हमले में कर्मचारी बुरी तरह से घायल हो गया है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्टेशन और थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। वायुसेना के अधिकारियों के बीच एक अधिकारी से हाथ मिलाते ब्लू टोपी पहने ये हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। बाइडेन अभी मुस्कुरा रहे थे कि मंच पर उनका पैर फिसला और वो गिर पड़े। राष्ट्रपति के गिरते ही वहां मौजूद अधिकारियों ने तुरंत उन्हें उठाया, इसके बाद बाइडेन ने खुद को संभाला। ये मौका था कोलोराडो में अमेरिकी वायुसेना अकादमी में आयोजित एक समारोह का। बताया जा रहा है कि मंच पर सैंड बैग की वजह से बाइडेन गिर पड़े। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन का स्वास्थ्य अच्छा है। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति एक रेत से भरी बोरी से ठोकर खा गए थे। आपको बताते चले कि पहली बार नहीं है कि जब बाइडेन ने संतुलन खोया, उससे पहले 2023 में फरवरी और मार्च में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। 2022 में फ्लाइट में चढ़ने के दौरान बाइडेन गिर गए थे। 2022 में ही प्लेन में सवार होने के दौरान उन्होंने संतुलन खोया था। एक विशालकाय अजगर जमीन पर मृत अवस्था में पड़ा बकरा और लोगों का हुजूम, ये कोई मदारी का खेल नहीं चल रहा, ना ही कोई सर्कस है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से सामने आई हैं, जहां 20 फीट लंबे अजगर ने एक बकरे पर हमला कर दिया। बकरे को अजगर ने ऐसा जकड़ा कि उसकी मौत हो गई। करेरा विधानसभा के नरवर तहसील की पूरी घटना है। बकरे को अजगर के जकड़न में देखकर लोगों के होश उड़ गए। मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 15 मिनट तक अजगर इसी रूप में रहा। ग्रामीणों की सूचना पर स्नेक कैचर सलमान पठान यहां पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद बकरे को अजगर से मुक्त करवाया गया, लेकिन तब तक बकरे की मौत हो चुकी थी। इतना विशाल काय अजगर था कि उसे 3-4 लोग पकड़कर दूसरी जगह पर ले गए। अजगर की लंबाई 20 फीट बताई गई। फिल्मों में न जाने कितनी बार जेल से या अस्पताल से कैदियों के फरार होने की घटनाओं को फिल्माया गया। जितने शातिराना ढंग से कैदी सिनेमा में भाग जाते हैं वो काल्पनिक घटना अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सच हो गई। अंबिकापुर सेंट्रल जेल में एक कैदी अपने गुनाहों की सजा काट रहा था। 30 मई को उसकी तबीयत बिगड़ी तो इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज लाया गया। जेल वार्ड में शिफ्ट किया गया, लेकिन वहां कैदी ने जेल प्रशासन को चकमा दे दिया। हाथों से हथकड़ी खोलकर फरार हो गया। कैदी फरार हुआ, महकमे के हाथ लगी ये खुली हुई हथकड़ी जो पुलिसिया महकमे की कलाई खोल रही है। सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। बहरहाल कैदी गोपाल रजक की तलाश की जा रही है।